मुझे iPhone 15 Pro Max यूज करते हुए पूरा एक साल हो चुका है और मैं इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि एक साल तक इस फोन को यूज करने में कैसा फील होता है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा जंप था क्योंकि मैं iPhone 12 नॉन प्रो वाले से सीधा 15 Pro Max पे आया हूँ और मेरे ना कुछ मिक्स्ड फीलिंग है इस फोन को लेके, एक एक करके बताऊंगा। और iPhone 16 लॉन्च ही होने वाला है 9 सितंबर को, भैया एप्पल वाले आ रहे हैं स्टेज पे दोबारा, और आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि क्या 2024 में आपको आईफोन लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो ड्यूरेबिलिटी की बात करूंगा। भाई टाइटेनियम बॉडी जो इसमें मिल रही है ना, उसके अपने फायदे और अपने नुकसान, और तीन फायदे मेरे को जो दिखे अपने एक्सपीरियंस में। सबसे पहले था ड्यूरेबिलिटी। मैंने इस फोन को 3 से 4 बार गिराया कंक्रीट रोड पे, भाई बच गया। और जितनी बार भी ये गिरा, ये बिना कवर के ही गिरा है। उसके बाद भी इस पे सिर्फ 2 छोटे छोटे डेंट्स हैं, एक टॉप पे है और ये बॉटम पे, बट भाई फोन बच गया, इसको कुछ नहीं हुआ। और अगर अपने दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, उसके पास 14 प्रो मैक्स था, उसका फोन गिरा और बैक ग्लास भाई पूरा चकनाचूर हो गया था। एप्पल स्टोर पे जाने के बाद उससे 40,000 मांगे थे सिर्फ बैक रिप्लेसमेंट के, टाइटेनियम बॉडी का। ये फर्क मुझे इसमें दिखा। और हाँ, फोन लाइट है, ये एक इसकी बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर तुमने कभी 14 प्रो मैक्स को अपने हाथ में पकड़ा होगा ना भाई, वो एक ईट है। और फोन अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हो अपने हाथों में तो भाई अच्छा फील होता है। तीसरा, टाइटेनियम बॉडी का भैया फील गुड फैक्टर बहुत ज्यादा है। ये ना सॉफ्ट और कंफर्टेबल फील होता है जब आप इसको लॉन्ग यूजेज के लिए हाथ में पकड़ के रखोगे। देन इसके कलर की बात कर लूं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कलर बिका है इस बार, वो है नेचुरल टाइटेनियम। इस फोन पे भैया फिंगरप्रिंट नहीं दिखते ज्यादा, और फोन एक साल बाद भी पूरा ब्रांड न्यू दिख रहा है। और स्क्रीन की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो भाई मैंने उससे पंगे नहीं लिए, चुपचाप मैंने टेम्पर्ड लगवा दिया था। मैं यहाँ पे स्पाइजन का टेम्पर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड, मुझे उसकी स्मूथनेस पसंद है। पर हाँ, महंगा, 2 टेम्पर्ड मिलते हैं 1200 रुपए के। इसके बाद जो चीज मुझे बहुत पसंद है इसकी, वो है भैया इसकी कॉल्स। पहले बात कर लूं इसके माइक्रोफोन की, तो भाई माइक्रोफोन लाजवाब है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और इसके सॉफ्टवेयर फीचर भी उसमें बहुत हेल्प करते हैं, जो कि वॉइस आइसोलेशन कर देता है और आपके बैकग्राउंड नॉइस खुद कट कर देगा। तो अगर तुम आउटडोर में भी हो ना, तो भाई लोग ना खुश रहेंगे, पीछे की आवाजें बहुत कम आती हैं। उसके बाद स्पीकर्स की बात कर लूँ ना, कॉल्स पे वो भाई क्रिस्प एंड लाउड है। और मार्केट में जितने भी फोन है ना, उसके स्पीकर से ये बहुत बेटर लगते हैं, क्योंकि इसकी जो बेस है ना भाई, वो बहुत अच्छी से आती है। आप जब उस पे गाने या किसी की आवाज सुनोगे ना, बहुत नेचुरल लगती है। इसके बाद नेटवर्क्स की बात कर लूं, तो भैया 5G बहुत अच्छा चलता है, स्पीड्स इस पे बहुत ही अच्छी आती है जहां पे 5G अच्छा होता है, और नेटवर्क वहीं इसके कम होते हैं जहां पे सारे फोन्स के कम होते हैं। इसके बाद जिसमें ये भाई लाजवाब परफॉर्म करता है, वो है इसकी परफॉर्मेंस। सबसे पहले बोलूं तो भैया डेली टास्क जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ साथ में भी चलाओगे ना, तो ये बटरी स्मूथ तब भी फील होता है। इसमें ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि भाई कोई लैग आ रहा है या कोई जिटर हो रहा है, वो चीज मेरे को बहुत ही सही लगती है। आपका फोन ना आपके साथ रहता है जब भी आपको कोई काम कंप्लीट करना होता है। इसके बाद मैं पिछली वीडियोस में भी जो चीख चीख के बोला हूं कि भाई गेमिंग परफॉर्मेंस में ये फोन की टक्कर कोई फोन नहीं ले सकता, इसमें भाई एप्पल बहुत शाना निकला और उन्होंने पार्टनरशिप की AAA गेम्स टाइटल के साथ, जैसे कि असासिन क्रीड अभी आई है, इससे पहले रेजिडेंट ईवल आई और भाई डेथ स्ट्रैंडिंग भी आई थी, और ये सारी की सारी भाई 30 FPS तक इजीली निकाल के दे देती, और ये प्लेबल होता है, बट वो टच स्क्रीन में खेलने में मजा नहीं आता। अगर तुम्हारे पास जॉयस्टिक है तो तुम आराम से उसको खेल सकते हो। जो चीज इसमें सबसे ज्यादा अजीब लगती है ना मुझे, वो है भाई ये सडनली कभी भी हीट कर जाता है, और स्पेशली अगर तुम आउटडोर होना हो तो भाई इसको AC चाहिए, चाहे तुम्हें चाहिए हो ना चाहिए हो, इस भाई को गर्म होने की गंदी आदत है। तो अगर एग्जांपल दूं, मैं बाहर जा रहा हूँ कैफे में काम करने और फोन का हॉटस्पॉट मैंने ऑन किया हुआ है, भाई हो ही नहीं सकता कि ये फोन गर्म ना हो। हाँ, ऐसा फील नहीं होता कि भाई फोन अनटचेबल होगा, बट गरम तो गरम ही होता है। और ये तुम्हें साउथ दिल्ली गर्ल की तरह रिएक्ट करता दिखेगा, क्योंकि भाई इसको AC जरूर चाहिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि भाई इसकी बैटरी डिग्रेड बहुत जल्दी हो रही है मेरे लिए। आज की बात करूं, मेरी बैटरी हेल्थ ऑलमोस्ट 94% बची है और मैं फोन तमीज से चार्ज करता हूं, 40-80% रखने की कोशिश करता हूं। और दूसरा पंगा जो मैंने इससे लिया था, वो था इस पे बीटा डाल के
बैटरी परफॉर्मेंस मर चुकी है। अभी iOS 17 तक रहना, जब तक स्टेबल वर्जन iOS 18 का नहीं आ जाता। iOS 17 में अगर बैटरी हेल्थ की बात करूं तो ये पूरा दिन आराम से निकाल रहा था, पर iOS 18 में मुझे दो बार चार्ज करना पड़ रहा है अगर मुझे फोन पूरे दिन यूज करने हैं तो। इसके बाद जो भाई मेजॉरिटी ऑफ लोग इसको लेते हैं वो है इसके कैमरास के लिए, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी शानदार बात बताऊं, पोर्ट्रेट्स लेना इस पे लाजवाब है। अगर तुम 2x पे फोटोज लेते हो बहुत ही गजब का ब्लर ये डालता है बैकग्राउंड में आपके ऑब्जेक्ट से, तो जो फोटो निकल के आती है ना वो बहुत एस्थेटिक बन जाती है। और जो मुझे लगा था कि मैं इसका 5x वाला जूम नहीं यूज करूंगा, भाई मैं गलत था। इसका 5x बहुत अच्छा काम करते हैं, बट आपको बहुत दूर जाना पड़ता है फोटो लेने के लिए। इसके बाद बोलूं ना तो जो ये फोटोज लेते हैं वो 90% एक्यूरेट होती है, पर 10% जो होता है ना वो बहुत गुस्सा दिला है, क्योंकि भाई ये लाइट के कलर कभी कभी अपने आप से चेंज कर देते हैं। अगर नेचुरली मेरी आंखों से मैं देख रहा हूं कि ज्यादा ब्लू कलर है मेरे बैकग्राउंड में, पर भाई अगर इसको लगा तो ये वार्म कर देगा पीछे बैकग्राउंड को। इसके बाद जो इंप्रूवमेंट मैंने देखी वो है HDR। HDR काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस बार, इन्होंने क्रैक कर लिया है अपना HDR। तो अगर तुम HDR फोटोज लेते हो आउटडोर में तो भाई बहुत ही गजब आती है। नाइट मोड में भी बेटर हुआ है, ग्रेनिनेस कम आती है। पर एक बात बोलूंगा, अगर फोटोज के शौकीन हो, एक फोन मेरे लिए पूरे साल किंग रहा, वो था भाई वीवो का X100 Pro। उसकी फोटोज को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा अभी भी। इसके बाद जिसमें ये आज भी किंग है वो है भाई इसके वीडियोस। इससे वीडियोस लेना भाई तुम्हें ना प्यार हो जाता है इस फोन से, क्योंकि भाई गलतियां बहुत ही कम होती हैं उस वीडियो में। और सच बोलू ना, ये पॉकेट में कैमरा है आपके, और इसी वजह से व्लॉगर्स प्रेफर करते हैं कि आईफोन ही ले, क्योंकि उनका धंधा चल रहा है भाई इससे। नाउ मेरी वर्डिंग्स, पूरे साल इस फोन को यूज करने के बाद क्या इसकी वर्थ निकल के आती है आपके लिए? तो भाई एक ही चीज बोलूंगा, इट डिपेंड्स। अगर भाई तुम्हारी रोजी रोटी चलती है वीडियोस बनाने में तो ये फोन ना वर्थ इट फील होता है। उसके अलावा एक नॉर्मल फोन है, ईज ऑफ यूज अच्छा है, बैटरी स्मूथ है, पर भाई 1.5 लाख रुपए का फोन ही है अल्टीमेटली है। तो यही था मेरा कुछ वर्डिंग, आपको कैसा लगा मुझे बता के जाना, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं वीडियो में ये भी मुझे बता के जाना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। iPhone 16 जल्दी लेंगे जैसे ही लॉन्च हो जाता है।